सबको ओम। आज हम सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय योगिक आहार, और जिसको हम अमृत आहार भी कहते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। क्योंकि आप सब देखते हैं कि आहार का ही हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे इसको ऐसे लेते हैं कि डीजल गाड़ी है तो डीजल पड़ना चाहिए, पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल पड़ना चाहिए, वैसे मानव जीवन है, मानव शरीर है, तो इसमें अच्छा आहार पड़ना चाहिए। अगर डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो खराब हो जाएगी, और वैसे पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालेंगे तो खराब हो जाएगी। तो क्यों ना हम मानव शरीर मिला है, मानव शरीर के लिए सबसे उपयुक्त आहार इस शरीर में जाए, इसकी चर्चा करें। बेस्ट आहार जिसे हम अंकुरित आहार कहते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को जब साबुत रूप में थोड़ा सा भिगो करके उसमें जर्मिनेशन तक, उसके अंकुर होने तक तैयार करते हैं, और उसके बाद उस आहार को कच्चा ही अगर खाते हैं, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, और पोषक तत्व शरीर में अच्छा काम करें इसकी भी क्षमता रखते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इस आहार को प्राकृतिक चिकित्सा के लोग, आयुर्वेद के लोग, योग के लोग इसको अमृत आहार कहते हैं। अर्थात इसके सेवन से हमारे शरीर की क्षमता जो इसकी है कई सौ वर्षों तक। इसलिए कह रहे हैं कि अग्नि पुराण कहता है कि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर को 100 वर्ष से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। 300-400 साल की अग्नि पुराण बात करता है। तो इससे तात्पर्य क्या है कि अगर अच्छा आहार करें और योगिक दिनचर्या अपनाएं तो शरीर को 100 साल से ज्यादा तो कर ही सकते हैं। और 100 साल ही क्या कम है, अगर वेदों की माने कुरुवने कर्माण जिजीवेच्छितम समाः, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें तो ही बहुत है। 100 साल ही अगर हम अपने जीवन को स्वस्थ प्रसन्न बिना दवाओं के निरोगी जीवन जिए तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। उसके लिए अंकुरित आहार का सेवन करें। अंकुरित आहार में जितने विटामिन होते हैं, अगर कई चीजें मिला के ले हम, जैसे गेहूं है, चना है, कुछ दालों है, मूंग दाल है, और अन्य जो चीजें हैं, मूंगफली है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भिगो लिए आप, हालांकि वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो जल में रहने के बाद उसके पोषक तत्व की जो क्वालिटी है थोड़ी बढ़ जाती है। अब क्या ही पचने में आसान है, आयुर्वेद कहता है इसे गुरु कहते हैं। गुरु से तात्पर्य है कि धीरे धीरे पचता, देर में पचता है, लेकिन पेट को तो साफ रखेगा, क्योंकि इस पे रफेज है और जो दालें होते हैं उसके ऊपर छिलके होते हैं, इससे हमारा पेट तो साफ होगा, बियॉन्ड डाउट। लेकिन ये क्या है, पचने में थोड़ा भारी है। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है, हमें तो अपना शरीर स्वस्थ चाहिए और प्रसन्न चाहिए। तो जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है, विटामिन्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इन सब के कारण इसे हम अमृत आहार कहते हैं। अब उस अमृत आहार का सेवन कब करें, प्रातःकाल सर्वोत्तम। और भोजन का आधा भाग अगर हम कच्ची चीजों से खाते हैं तो क्या होगा, गैस आजकल जो बहुत बड़ी बीमारी है, अपान वायु, और कहते हैं मृत्यु का निवास का अपान वायु में ही। तो अगर गैस कम बने, पेट हमारा गैस मुक्त रहे, तो दर्द भी नहीं होगा, शरीर में हल्कापन लगेगा, शरीर आपका एक्टिव रहेगा, ये बहुत आवश्यक है। मन आपका प्रसन्न रहे, अनावश्यक चिंता भी दूर होगी क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा। तो इन सब सारी चीजों के लिए अंकुरित आहार का सेवन करना, जो डिप्रेशन में उनके लिए बहुत अच्छा है। चबा चबा के खाइए और अंकुरित आहार का सेवन करें, तो जरूर ही आप करें। और कैसे आपने तैयार किया, तैयार करने में भी थोड़ा सा उसे भिगो करके फिर उसे पानी छान करके रख दें, अगर जल तत्व मात्रा रहेगी तो क्या होगा, चिपचिपा आ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा स्मेल भी आने लगती, तो ऐसा तैयार करें जिससे स्मेल ना आए और अच्छे ढंग से तैयार हो, फिर उसका आप सेवन। कैसे आपने किया और क्या आपको कुछ लाभ हुआ, तो जरूर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, ताकि सबको लाभ हो, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे श्रोता वर्ग हैं, उन सबके लिए ओम सुख।